हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आया निक्कू भाई के पास, क्रेटा दिखा रहे हैं आज। तो निक्कू भाई, क्या क्या काम हुआ इसके अंदर बताओ? इसके अंदर ग्रिल चेंज है, ई मॉडल था। अच्छा, ई मॉडल था, बेस मॉडल था हमारा। ये ग्रिल कौन सी लगाई है? नाइट एडिशन वाली। ये नाइट एडिशन वाली ग्रिल लगाई है, इसमें देख सकते हो गाइस, इसमें धूल मिट्टी के कारण इसका दे लीजिए फोक लैंप है। एलईडी लगाई है, काम है अंदर का, इंटीरियर का। अच्छा, बाहर से काम ज्यादा नहीं है इसके अंदर, मेन काम इंटीरियर का है। इसमें एलईडी लगाई है हमने, नीचे फॉग लाइट लगाई है, तो एलईडी, ये हेडलाइट के अंदर एलईडी डाली है, और ये ग्रिल की लुक देख सकते हो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की तरफ। अंदर इसके अंदर मेन काम हुआ है इंटीरियर का, निको भाई दिखाएंगे। तो डोर पैनल इसमें तैयार करा है, कौन सा कलर में तैयार हुआ है? कॉफी ब्राउन है। कॉफी ब्राउन के अंदर देख सकते हो। इसमें हमने ये भी पियानो करा है, पूरा पियानो है, सिल्वर टचिंग है इसमें, सिल्वर टचिंग दी है ये। इसमें टॉप मॉडल वाला पूरा स्टाइल दिया है, और ये हमने ये चेंज किया है, इनर हैंडल चेंज है। हाँ, ये इनर हैंडल भी चेंज हुआ है। जो अल्काथर आती है उसकी लुक दी है आपने पूरा इसके अंदर। सीट कवर भी है, सीट कवर की लुक दिखा सकता हूँ, देख सकता सीट कवर की लुक, पूरा जेन्युइन काम हुआ है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, उस तरह से दिखा दो। तो ये है ड्राइवर साइड की, ड्राइवर साइड की डोर पैनल की लुक। इसके अंदर हमने पूरा इसको पियानो ब्लैक करा है, जैसे टॉप मॉडल के अंदर आता है वो इसको दिख दिया है। और स्पेशली इसमें एक काम और हुआ है, हमने सिल्वर फिनिशिंग करी है यहाँ पर, पूरा इसको टॉप मॉडल वाले लुक में देने के लिए। और यहाँ पर हमने सॉफ्ट टच किया है कि स्टिचिंग दे सकते हो, ये सॉफ्ट टच की लुक है। और ये पूरी पियानो फिनिशिंग हुई है यहाँ पर, और इनर हैंडल भी हमने चेंज करा है इसके अंदर, और पूरा इसके अंदर लेदर छुड़ाया है। ये कपड़ा ही लेदर नहीं है, पेंट वाला। ये पेंट है, ये पेंट है, और ये लेदर है ना, यहाँ पर ये पूरा पेंट है। तो ये सीट कवर की लुक है। तो ये सीट कवर कस्टमाइज वाले है, देख सकते हो फिनिशिंग बहुत सॉफ्टनेस है, और पूरी एक भी रिंकल नहीं है सीट कवर के ऊपर, देख सकते हो। और ये लेदर इसमें भी चढ़ाया हमने आर्मरेस्ट के ऊपर, देख सकते हो पूरी गाड़ी की लुक आ रही है। स्टीयरिंग रैप है जिग-जैग वाला। अच्छा, डैशबोर्ड इसमें स्टीयरिंग जो रैप करा है ये जिग-जैग वाला करा है, ओरिजिनल टाइप में, ओएम टाइप में। और तो ये डैशबोर्ड है, ये भी पेंट करा है, देख सकते हो पूरी डैशबोर्ड की लुक। और ये भी पियानो कलर है इसको, ये पूरा स्टीरियो फ्रेम भी पियानो करा है, इसमें स्टीरियो भी लगाया हमने। स्टीरियो कौन सा लगाया इसके अंदर? मोको 6GB रैम, 128GB इंटरनल। मोको का लगाया है 6GB वाला। और इस तरफ भी ये भी, ये लेदर है, कौन सा है? पेंट है भी। ये भी पेंट है, इसमें लेदर चढ़ जाता है? चढ़ जाता है, लेदर भी चढ़ा सकते हैं, नहीं आ पाता जो पेंट में आता है। अच्छा, लेदर में नहीं आ पाती। तो ये हमने पेंट करा है इसके अंदर, निक्कू भाई के सजेशन है। आप क्या कहते हो कि पेंट करवाना चाहिए? पेंट की लाइफ कितनी होती है? 10 साल की लाइफ दे रहे भैया यहाँ पर। और ये पूरी है पियानो फिनिशिंग की लुक। और इसमें हमने ये भी करे, पिलर्स भी सारे इसमें हुए, डुअल टोन का अलग लुक दे दिया ना आपने, ब्लैक के अंदर भी और बेज के अंदर भी। ये पूरी सीट कवर की लुक है। मैट कौन सा डाले? 90 मैट्स की इंसुलेशन हुई है। अब पीछे का दिखाता हूँ आपको, ये पीछे का डोर पहने की लुक है। अगेन इसके अंदर ये पेंटेड पार्ट है, ये पूरा पेंट हुआ है यहाँ की तरफ आपका। ये हमने पियानो फिनिशिंग करी है, और ये पावर विंडो की साइड में, और ये इनर हैंडल की लुक है। तो यहाँ पर आपका हमने ये सॉफ्ट टच करा है ये पूरा, और मैं लेके चलता हूँ आपको अंदर। तो ये पूरी सीट कवर की सीटें चेंज है? नहीं, आप बेस मॉडल में केटा में 46 सीट आता। अच्छा, तो ये आर्मरेस्ट लगाया आपने? नहीं, लगा हुआ था कंपनी से, आप नए वाले मॉडल है ना। अच्छा, वाले में 46 दे रही है, आर्मरेस्ट भी दे रही है कंपनी। हमने आर्मरेस्ट भी दे रही है, बेस मॉडल के अंदर आर्मरेस्ट भी दे रही है कंपनी। और ये पूरी सीट कवर की लुक्स है, तो इसमें ये सब कुछ सब कुछ दे रही है। ई मॉडल के अंदर काफी फीचर दे रही है कंपनी। तो ये कुछ सीट कवर की लुक है, काफी अच्छे लग रहे हैं, और कस्टमाइज है, और फिनिशिंग दे सकते हो गाड़ी। सीट कवर बैठ के दिखाता हूँ, कोई रिंकल नहीं है सीट के ऊपर, पूरी फिनिशिंग चेक कर सकते हो। और बैक साइड के अंदर से कुछ काम नहीं हुआ, ये कुछ बैक साइड की लुक है। इस तरफ हमारा काम हुआ है, तो ये वाला डोर पैनल की लुक दे सकते हो। अगेन इसमें पेंट हुआ है, ये सॉफ्ट टच हुआ है, और ये पियानो फिनिशिंग है, और ये इनर हैंडल की लुक है। यहाँ से देख सकते हो पूरी सीट कवर की लुक, और ये आर्मरेस्ट की लुक है। आर्मरेस्ट पर खोल के दिखाता हूँ, बिल्कुल स्नग फिट है, कोई भी दिक्कत नहीं है खोलने बंद करने में। ये पूरी लुक है। ये जो क्रेटा मैंने आपको दिखाई, इसका पूरा इंटीरियर वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो ये दोनों उनके ओनर हैं। तो सर बताइए, कहाँ से आए थे आप? हम लोग आए हैं देहरादून से। देहरादून से आए थे आप, तो काम कैसा लगा आपको निक्कू भाई का? A1। आपने काम करवाया इंटीरियर का मेनली आपके गाड़ी के अंदर, तो आपने कैसे निक्कू भाई का रेफरेंस का वीडियो देख के आए थे? हाँ, वीडियो देख के आया था, इनसे बात की थी कि
3-4 दिन पहले मैंने अच्छा से बात की थी कि मेरे को अल्काज़ार जैसा चाहिए और टॉप नॉच क्वालिटी का, थोड़े बहुत चेंजेस कराए थे इंटीरियर में, उसके बाद उन्होंने रेफर किया, 2 दिन बोले, 2 दिन में डिलीवर कर दिया। अच्छा तो आपने रिलायबल है, रिलायबल है आपको, काम अच्छा लगा काफी, काम अच्छा। और जो आपने जो ये इंटीरियर करवाया अल्काज़ार वाला, तो पहले से सोचा हुआ था आपने अल्काज़ार करवाना, तो आप पूरा माइंड सेट करके आए थे अपना की काम, और वैसे ही काम मिला आपको जैसा। तो स्टीरियो वगैरह भी लगवाया आपने? स्टीरियो लगाया, तो उससे सेटिस्फाइड हो आप? जी सेटिस्फाइड हो उससे? सेटिस्फाइड हूँ उससे भी, सेटिस्फाइड थोड़ा बहुत ग्लिच है, नया नया सिस्टम है, उसके लिए भी बोलता है भाई कभी भी। तो काम अच्छा लगा, तो कितने स्टार दोगे आप निको भाई को? 5 में 5 5 में 5 5 में। थैंक यू सर, थैंक यू।